आईसीसी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस हार के साथ ही करोड़ों फैंस का अपनी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप उठाते देखने का सपना टूट गया। जब तक महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे, देश की 125 करोड़ जनता की उम्मीदें भी धराशायी हो गई। रन आउट होने के बाद पहली बार हमेशा कूल रहने वाले धोनी के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उनके रिएक्शन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भावुक हुए हैं और टीम की हार से निराश भी। उनके इस रिएक्शन से पूरे देश में लोग रो पड़े। हालांकि इस निराशा में कई फैंस अपनी टीम के साथ खड़े थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। बारिश के कारण ये मैच दो दिन में खेला गया। टीम इंडिया को 240 का लक्ष्य मिला था, लेकिन 221 पर ही ऑल आउट हो गए। इंडिया की तरफ से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 50 रन की पारी खेली और रन आउट हो गए। वो जब मैदान पर थे, भारत की जीत संभव लग रही थी, लेकिन उनका रन आउट हो जाना पूरे भारत को झटका दे गया। आउट होने के बाद जब धोनी वापस पवेलियन लौट रहे थे, तो पहली बार वो इतना गमगीन दिखे। शायद ही उनका अंतिम विश्व कप हो। धोनी को इस तरह से हताश देख करोड़ों फैंस भी भावुक हो गए। भारत की हार के बाद एक तरफ जहां लोग टीम इंडिया की आलोचना कर रहे थे, वहीं एक और लोग टीम इंडिया और धोनी के साथ खड़े हुए भी नजर आ रहे थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।